तन्वी ये कैसे कह सकती कि उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था? ये मेरी तनु कैसे हो सकती? आह मिस्टर राहुल मेहता, आपके लीवर की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। आई एम सॉरी टू से बट यू आर डाइंग। थैंक यू भगवान, मैं समझ गया। मान लिया तुझको। टाइमिंग है तेरी। मैंने तो उससे दुआ मांगी थी कि जब मैं अपनी आखिरी सांस ले रहा हूं तो तनु का हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाए, और तूने वही किया। थैंक यू। अब मैं चैन से मर पाऊंगा। अच्छा ही हुआ कि मेरी तनु सब भूल गई है। मेरी तनु को हमेशा ऐसे ही खुश रखना भगवान। हमेशा ऐसे ही खुश रखना। बस और कोई रास्ता नहीं था पप्पा। मेरा राहुल मेरे सामने होते हुए मैं उसकी नहीं हो सकती। मैं अपने पापा के मरने की वजह बनी हूँ ना, शायद यही मेरी सजा है। मैं जिंदगी भर के लिए तड़पती रहूं। ये राहुल को हमेशा खुश रखना। हेज की दी ने यही ब्लैक स्कार्फ पहना था, ये आपके पास कैसे आया? ये तो किती का? हाँ। क्या ये हेतु की दी है? हाँ सर, यही तो हेतु की दी है। तनुश्री यही तो है। सर, लेकिन ये फोटो और स्कार्फ आपके पास कैसे आया? कहीं गलती से उस दिन आपके केबिन में तो नहीं भूल के चली गई?
सिक्योरिटी कोई है? ये गाड़ी हटाओ, कोई है यहाँ? सिक्योरिटी गाड़ी हटाओ, मुझे तनु से मिलने जाना है। मुझे भाई तनु से मिलना है। सिक्योरिटी गाड़ी हटाओ, सिक्योरिटी। जी साहब। कौन थे आप? सर साहब, क्या साहब उसको करवा, हटाओ हटाओ साहब, साहब साहब करवा। अरे कोई है? अरे कोई है? कोई है यहाँ पे? अरे किसकी गाड़ी है? कोई है यहाँ पे? कहाँ हो तुम तनु? वहां राहुल आ गया। तनु तूने श्री को मेरे और तनु के बारे में बताया था? क्या हुआ बेटा? श्री ने तेरे और तनु के बारे में कुछ कहा क्या? मां बात को घुमा मत, सच सच बता। बताया था ना? राहुल बेटा, बात यूं हुई कि बातों बातों में मैंने उससे थोड़ा सा। मां मैं बहुत जल्दी में हूं, सीधा बता, बताया था या नहीं? हाँ, मैंने तेरे और तनु के बारे में श्री को बताया था। देख बेटा, तूने मुझे सिर्फ नाम ना बताने की कसम दी थी और मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं श्री से मिलने गई थी, उससे मदद मांगने गई थी ताकि वो तुझे ठीक कर सके। इसीलिए तो वो कल रात तुझसे मिलने यहाँ आई थी और नशे की हालत में तू उसे तनु समझ बैठा और अपने मुंह से सारी बात उसे बता दी। कल जाते वक्त बेचारी कितना रो रही थी।